दोस्तों अहमदाबाद जू में आप लोगों को बहुत सालों के बाद फिर से मैं कमला नेहरू जू यानी कि अहमदाबाद का चिड़ियाघर दिखाने वाला हूँ। क्या बदला है चार सालों में। पिछला वीडियो 40 लाख लोगों ने देखा था और आज भी नंबर वन पे है। तो चलिए आगे चलते हैं और टिकट का प्राइस क्या वो देखते हैं। आपकी टिकट चेक की जाएगी। नॉक्टर्नल की टिकट ली है तो यहाँ टिकट नहीं लेनी है, बाकी टिकट 20 रुपीज़ है यहाँ की सिर्फ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये अंदर आ गए दोस्तों। अंदर भी दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है। यहाँ पर पूरा लेआउट आपको सामने देखने को मिल जाएगा काकरिया का, कि काकरिया जू किस तरीके से है। तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो हाथी मिलेगा, भालू मिलेगा, डियर का सेक्शन मिलेगा, प्रोक्यूपाइन जैकन लेपर्ड मिलेगा और हमारे सामने ही सीधा जो है आपको वाइट टाइगर दिखेगा और फिर उसके साइड में जो है यहाँ पर जंगली बिल्लियाँ हैं और पूरा राइट साइड जो जाएंगे हम यहाँ से फिर जैसे आप देख रहे हैं तो वहाँ पर सांभर और बर्ड सेक्शन है। तो हम पहले लेफ़्ट चलेंगे फिर हम राइट में जाएंगे। वाइट टाइगर देखने के बाद दोस्तों यहीं पर है हिप्पोपोटेमस जो आपको सामने दिखेगा। यहाँ लेफ्ट में सबसे पहले इंडियन एलिफेंट मिलेगा आपको, ये देखिए। तो हाथी के सामने जो है वाइट टाइग्रेस है। चलिए वाइट टाइग्रेस को हम नज़दीक से देखेंगे, ठीक है। इसके सामने का ही बाड़ा बिल्कुल वाइट टाइग्रेस का है। चलिए देखते हैं। हिप्पोपोटेमस के सामने ही दोस्तों दूसरी जंगली बिल्लियां हैं जैसे लायन लेपर्ड, वो भी हम अभी देखेंगे। तो हम इस बार राइट साइड पहले जाएंगे और फिर वापसी में जो है हम लेफ्ट साइड जाएंगे। अब टाइगर के ओपन बाड़े में हम आ गए हैं। यहाँ पर ओपनली टाइगर को छोड़ा गया है, ठीक है। बीच में जो है गहरी खाई है और जाली भी है। तो बंगाल टाइगर, अलग एंगल से भी दोस्तों देख लीजिए। पीछे से जहाँ से हम शेर के बाड़े की तरफ जा सकते हैं वहीं पर। अब दोस्तों बिल्कुल नज़दीक से आप जैकल को देख रहे हैं, ठीक है। सियार जिसको कहा जाता है, गीदड़ भी कहते हैं हिंदी में, काफ़ी लोग इसको लोमड़ी कहते हैं। दिस इज़ नॉट अ लोमड़ी दोस्तों। और दोस्तों ज़ू का अपना बहुत महत्व है। ज़ू होने की वजह से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इनको जानवरों को कैद किया गया। मैं बता दूं दोस्तों, इन जानवरों को जंगल से नहीं पकड़ा जाता। जब ये बीमार होते हैं, इंजर्ड होते हैं, ऐसे जानवरों को या तो रखा जाता है या ये ज़ू योजना के अंतर्गत जब एक्सचेंज किए जाते हैं तो ये एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे ज़ू में। अब दोस्तों सिंहों के बाड़े में आ गए हैं। सिंहों को भी बहुत बड़ी जगह दी जाती है। आपको लगता है कि बहुत छोटी जगह दी जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ लाइनस बैठी हुई है, ठीक है, ये फीमेल है सिंहाना। एशिया में ये सिर्फ गुजरात के गिर में पाए जाते हैं और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया में सिर्फ दो जगह पर ये पाए जाते हैं। चलिए बाजू में लायन बैठा है, वो भी देखते हैं। और ये लायन बैठा हुआ है, ठीक है। बताना चाहूँगा, पिछला जो वीडियो हमने काकरिया ज़ू का बनाया था वो परमिशन के साथ बनाया था। तो बहुत नज़दीक से हमने जानवर उसमें दिखाए थे, आप देख सकते हैं कि उसमें ज़ू का हमने महत्व बताया था। डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो वो देख सकते हैं आई बटन क्लिक करके, जिससे आपको ये जानवर बहुत नज़दीक से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जैसे बंद मैंने आपको सिंह दिखाया, वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिंह है वो ओपन डेक के अंदर भी है। कभी मैं इस ओपन डेक में घूम चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्री के लिए मुझे सब कुछ समझाया गया था कि ये कौन सी चीज़ क्यों बनाई गई है। तो यहाँ पर सिंहों के लिए भी एक पूरा ओपन डेक बनाया गया है और ये सामने आपके सिंह बैठा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है हिरन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हिरन रखे हुए हैं यहाँ पर। हिरन के दो सेक्शन हैं, एक यहाँ पर भी है और एक दूसरी तरफ हम जब जाएंगे वहाँ पर भी हिरन रखे गए हैं।
यहाँ पर इम्यू है, दूर आप देख सकते हैं इम्यू, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बर्ड कहा जाता है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है दोस्तों ये इम्यू। सबसे बड़ा बर्ड दुनिया का जो है वो है ऑस्ट्रिच, जो अफ्रीका में पाया जाता है। पर मार्स क्रोकोडाइल है, ठीक है, श्रीलंका भारत में ये पाया जाता है, समुद्री ये मगरमच्छ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं आप देख सकते हैं, और फ्रेश वाटर इसमें भरा जा रहा है अभी। दोस्तों मैं आपको जल बिलाड़ी दिखा रहा हूँ, मतलब के इसको ओटर कहा जाता है, ये मछलियों की बड़ी शौकीन होती है, ठीक है। सामने देखिए अभी पानी से बाहर आई, यहाँ पर आधे रास्ते पर आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे सर्फ ग्रू है, ठीक है, यहाँ पर बीच में आप बैठ के यहाँ विश्राम कर सकते हैं। एक डॉम बनाया गया है और लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम भी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब तो सर्प ग्रू के अंदर आ गए हैं, आते ही पहला जो सेक्शन है वो है स्टार टोटो इसका, ठीक है, यहाँ पर स्टार टोटो इस देख रहे हैं। इसके आगे हम जाएंगे तो इंडियन मोनिटर लिजर्ड है, एक नहीं दो दो मोनिटर लिजर्ड है, एक ने दूसरे को पकड़ा हुआ है। देखिए ठंड की वजह से गर्माहट ले रहे हैं ये, ठीक है ना, ये कोमोडो ड्रैगन के रिश्तेदार हैं। ये वन रूप सुंदरी है, सांप की एक, ये नॉन वेनमस स्नेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये इंडियन रेड स्नेक है जो नॉन वेनमस होता है, ठीक है, बिन जेरी होता है, लेकिन ये हमारे खेडूत मित्र कहे जाते हैं क्योंकि ये जो है चूहों को मार के खा जाते हैं, और लोग इसको कोबरा समझ के कई बार मार डालते हैं। अब दोस्तों ये बहुत ख़ास वस्तु है यहाँ पर, एनाकोंडा। एनाकोंडा जल्दी से किसी जू में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ग्रीन एनाकोंडा, पानी में भी एक है और बाहर भी बैठा है। दोस्तों एनाकोंडा देख लिया, ये भारतीय अजगर है, इंडियन रॉक पाइथन कहा जाता है जिसे, ठीक है, और काफ़ी बहुत सारे सांप यहाँ पर रखे गए हैं। ऊपर भी देखिए, वहाँ पर भी है। के पास आ गए हैं जिसने भारत में सबसे ज़्यादा मौत के लिए जिम्मेदार सांप ये है, रसल स्वाइपर। ये अजगर जैसा दिखता है लेकिन अजगर नहीं है, अजगर आपने रॉक पाइथन आगे देखा, लोग इसको अजगर समझ के बिनजेरी समझते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन ये बिनजेरी नहीं है, ये जो है एक विषैला सांप है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा भारत में मौत होती है। रसल स्वाइपर गुजराती में खड़चित्रो और चीतल विषैला। तो अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा चूहा है, ठीक है, जिसको कोइपू कहा जाता है, यहाँ पे रखा गया। ये एनाकोंडा का पसंदीदा शिकार है, तो इसके साथ यहाँ पे सर्प ग्रू जो है वो ख़त्म होता है। दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। ये दोस्तों सारा जो सेक्शन है वो जलीय बर्ड का है, ज़्यादातर इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं, वो बर्ड हैं सारे, ठीक है। चलिए फटाफट ये सेक्शन को हम आगे ले चलते हैं, आगे पेलिकन है, पेलिकन देखते हैं। Oh, 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 oh
दोस्तों यहाँ पर एक और बर्ड सेक्शन है जहाँ पर अलग अलग और परिंदे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ खास खास परिंदे मैं आपको दिखाऊंगा, जो दूर होंगे वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वाइट डव है, देखने की ट्राई करते हैं। ये सिल्वर फेजेंट कहा जाता है, ठीक है, फेजेंट है ये भी, एक फेजेंट बर्ड है दोस्तों। और दुनिया में सबसे ज़्यादा दोस्तों एज अ पेट पाले जाने वाला बर्ड बजरीगर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाला जाता है और ब्रीड भी आसानी से करता है। तो इसकी संख्या दुनिया में करोड़ों में होगी और ये ऑस्ट्रेलिया का एक पंछी है। बड़ा सुंदर माहौल है यहाँ पर। यहाँ पर अब जावा है जो सुमात्राई द्वीप में पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है, बाली में पाई जाती है ये जावा बर्ड। इसको भी लोग रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है परिवेश पोर्टल पे। अब दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर बताता हूँ, क्राउन कबूतर कहा जाता है। जापान और टापू वगैरह, न्यू पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास है, वहाँ पर पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर इसको कहा जाता है। देखिए कहा जाता है कि इस जू को पूरा नया बना जाएगा, रिनोवेट कब किया जाएगा, परमिशन मिल गई है। लवबर्ड जो हमने आगे देखे वही, यहाँ पर एक कोकाटेल है, यहाँ पर लवबर्ड है। चलिए नज़दीक से दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत खूबसूरत उड़ते हुए। इसमें कुछ फेजेंट भी हैं, गोल्डन फेजेंट है दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बहुत अच्छे अच्छे परिंदे और बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इधर निकलने से पहले चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, निकोबार पिजियन देख रहे हैं। मैं बता दूं कि हर ज़ू का महत्व यह है कि हर ज़ू को कुछ ना कुछ काम दिया जाता है। काकरिया ज़ू को अंडमान निकोबार कबूतर की जो आबादी घट रही थी जंगलों में, उसको बढ़ाने का काम दिया गया है कि वापस इनको इनके परिवेश में छोड़ा जा सके। तो इसके लिए भी ज़ू बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब दोस्तों ये टर्की बर्ड है, टर्की भी एक डोमेस्टिक पोल्ट्री बर्ड कहा जाता है, अमेरिका की ये ब्रीड है, इंपीरियल पिजियन ही है। चलिए डक्स देखते हैं आगे। अब ये दोस्तों कोई विदेशी डक लग रही है, जिस तरीके से उसकी थूथन पे घड़ा बना हुआ है। कौन सी डक है अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा, मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि मैं पहली बार ऐसी डक को देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने मस्कोई डक जानता हूँ, इंडियन रनर डक जानता हूँ, मैकपाई डक आती है, लेकिन ये डक का नाम पता नहीं है दोस्तों। बहुत थक चुके हैं, बर्ड सेक्शन के सामने ही जो है यहाँ पर सांभर का बाड़ा बनाया हुआ है। सांभर बहुत बड़े हिरन है। तो अब जो दूसरे हिरन है, चीतल वगैरह, वो शायद मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये वीडियो में आगे मैं अटैच कर दूँगा ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि पुराना वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो हिरन में दो प्रजाति आती है, एक एंटीलियर और एक एंटीलोप। आगे जो हिरन मैंने आपको दिखाए वो एंटीलियर थे, उनके सींग गिरेंगे और वापस आ जाएंगे। ये जो है वो एंटीलोप है, इनके सींग एक बार गिरेंगे तो दूसरी बार नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ एंटीलियर और एंटीलोप होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आखिरी सेक्शन भी यहाँ पर कुछ बर्ड्स की अलग अलग प्रजातियाँ रखी हुई है, तो कुछ मैं खास खास पैरोट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। साथ में गिद्ध का भी पुनर्वास दोस्तों चल रहा है, बिकॉज गिद्ध जो है हमारे सफाई कामदार माने जाते हैं और वो विलुप्त हो रहे हैं भारत से और विश्व से। काफ़ी गिद्ध की प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं, तो इनका संभालना बहुत ज़रूरी है हमें। अब चलते चलते दोस्तों बता दूँ, अब गेट नंबर 3 की तरफ आएंगे, जहाँ पर ये पार्किंग आपको दिख रही है। तो गेट नंबर 3 से भी आप एंट्री लेकर फिर हम जिस तरह से आए उस तरफ जा सकते हैं। तो शेर वगैरह आखिरी में पड़ेगा, पहले बर्ड पड़ेगा। और अगर आप गेट नंबर 2 से आते हैं तो 2 से 3 के बीच में ये जो है पूरा ज़ू है। अब आखिरी में बंदर देखेंगे और बंदर के बाद इस एपिसोड को हम पूरा करेंगे। यहाँ से फिर से लेआउट है तो आप, ताकि आपको पता चले। ये देखिए गेट एंट्री गेट नंबर 2,
ठीक है, ये 2 नंबर है, हम 1 से हमने एंट्री की थी, ठीक है। ये मंकी का बिल्कुल आखिरी पिंजड़ा है और इसी के साथ हम गेट नंबर 2 पे पहुंच गए हैं और आज का ये काकरिया जू का पूरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा है वीडियो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में फिर किसी नए फ्रेश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ब्रेक।